इस एपिसोड में हम देखने वाले कि केविन अपनी मॉम के घर जाता है और वहां जाके वो देखता है कि उनका पूरा घर टूटा पड़ा है। ये चीज देख के वो थोड़ा घबरा जाता है, उसे लगता है कहीं मेरी मॉम को तो कुछ नहीं हो गया। लेकिन इतने में पीछे से उसकी मॉम आ जाती है जो कि बिल्कुल सही सलामत होती है। उसके बाद में उसकी मॉम केविन को एक ऐसी बात बताती है जो कि उन्होंने केविन को पहले कभी नहीं बताई होती। वो एक रहस्य होता है उसके पापा के बारे में। पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए अभी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। अभी एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक जेल दिखाया जाता है जहाँ से एक कैदी भाग रहा होता है और उस कैदी का नाम होता है रैग्नारोक। वो वहाँ के सभी गार्ड्स को मार के जेल से बाहर निकल जाता है और वो जो जेल होता है वो नल वॉइड का जेल होता है। वो वहाँ के सभी मॉन्स्टर से फाइट वगैरह करके नल वॉइड से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो बैन होता है वो रैथ बन के फॉरएवर नाइट्स को पीट रहा होता है और उसका साथ दे रहे होते हैं यहाँ पे केविन और ग्वेन। ये सारे के सारे फॉरएवर नाइट्स को यहाँ पे पेल रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो बैन होता है वो सभी लोगों को बांध देता है। उसके बाद ये लोग घर जा ही रहे होते हैं, लेकिन बैन कहता है कि चलो थोड़ी देर में सर स्मूदी पे चलते हैं, लेकिन केविन कहता है कि मुझे जल्दी घर जाना है। बैन कहता है केविन का घर भी है, सोच के कितना अजीब लगता है। केविन कहता है हाँ मैं तो पहाड़ों पे तंबू गाड़ के सोता हूँ ना। उसके बाद केविन जब अपने घर जाता है तो वो देखता है कि भाई सब कुछ टूटा पड़ा है। वो अंदर जाके देखता है तो अंदर भी सब कुछ टूटा हुआ होता है। वो अपनी मॉम को ढूंढता है लेकिन उसकी मॉम भी वहाँ पे नहीं होती। और उसके बाद में इधर उधर देख ही रहा होता है, लेकिन इतने में पीछे से उसकी मॉम आ जाती है जो कि मार्केट गई होती है और वो कहती है कि शायद से हमारे घर में चोरी हुई है। उसके बाद में केविन नीचे देखता है तो उसके पापा की फोटो टूटी पड़ी होती है जो कि उसके पापा की आखिरी निशानी थी। उसके बाद में केविन की मॉम केविन को एक ऐसी बात बताती है जो कि उन्होंने पहले उसे नहीं बताई थी। वो बात थी उसके पापा के बारे में। उसके में केविन यहाँ पे ग्वेन और बैन के पास आता है और वो कहते हैं क्या तुम रैग्नारोक को जानते हो। यहाँ पे ग्वेन और बैन कहते हैं हमें कहाँ से पता होगा। उसके बाद में यहाँ पे जो केविन होता है वो कहता है अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ वरना मेरे काम में टांग मत अड़ाना। उसके बाद बैन और ग्रैंड ग्रैंडपा के पास जाते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम मेरा फेमस समगादड़ फ्राई खाना चाहोगे। वो कहते हैं हमें भूख नहीं है। वो कहते हैं कि आप रैग्नारोक को जानते हो। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं ये नाम तुमने कहाँ से सुना। उसके बाद में वो बताते हैं कि केविन इसे ढूंढ रहा है और वो कहते हैं कि शायद से केविन को सच पता लग गया होगा। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि जब मैं एक एक्टिव प्लमर था तब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था डेविन 11। एक एलियन सन की पूरी रोशनी को छीनने वाला था। तब डेविन ने उसकी एक चाबी ले ली थी जिससे वो अपने स्पेसशिप को एक्सेस नहीं कर सकता था और वो एलियन वही होता है रैग्नारोक। रैग्नारोक उनकी स्पेसशिप में चढ़ जाता है और वो उसके ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फाइट करने के बाद में जो उनकी गन्स वगैरह होती है वो खराब हो जाती है और यहाँ पर जो डेविन 11 होते हैं यानी केविन के पापा, वो अपनी ऑस्मोसियन पावर से सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे ऑब्जॉर्ब करते हैं और उसे मारते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाते। उसके बाद में यहाँ पर जो वो होता है रैग्नारोक, वो कहता है कि या तो तुम मुझे चाबी दे दो वरना मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा, लेकिन वो फिर भी चाबी देने से मना कर देते हैं। उसके बाद में वो बीच में कूद जाते हैं जिससे ग्रैंडपा मैक्स बच जाते हैं और ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पे नल वॉइड प्रोजेक्टर खोल देते हैं जिससे यहाँ पे जो रैग्नारोक होता है वो नल वॉइड के अंदर कैद हो जाता है और यहाँ पे जो केविन के पापा होते हैं वो मर जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स कहता है शायद से वो इसी चीज़ का बदला लेने गया होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो केविन होता है वो रैग्नारोक के पास पहुँच जाता है और वो वहाँ जाके अपना नाम बताता है। वो कहता है कि तुमने मेरे पापा को मारा था। दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होती है, लेकिन यहाँ पे जो केविन होता है वो बहुत गंदा पिटता है क्योंकि रैग्नारोक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। रैग्नारोक केविन को मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से ग्वेन आ जाती है और केविन को बचा लेती है। उसके बाद में केविन कहता है कि तुम लोग मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। बैन कहता है हाँ जैसे हम तुम्हारी सारी बातें मानते हैं। उसके बाद में बैन यहाँ पे लॉर्ड सर बन जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में लॉर्ड सर उसे मार ही रहा होता है, लेकिन केविन कहता है कि तुम इस चीज़ में टांग मत अड़ाओ और ये मेरा शिकार है। उसके बाद में यहाँ पे सभी लोग इसे मिलकर मार रहे होते हैं, लेकिन इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे चाबी नहीं और तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो और ये टेलीपोर्ट हो जाता है। केविन कहता है कि तुम लोगों की वजह से वो भाग पाया। उसके बाद में दोनों कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हारी हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ रहेंगे। और गाइज यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो मैं आप लोगों को वापस से याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लेना, अगर आप कर चुके तो थैंक यू सो मच। एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। ग्वेन केविन का माइंड रीड करके वो चाबी ढूंढने की कोशिश करती है और ग्वेन को पता लग जाता है कि वो केविन के घर पे ही है। उसके बाद में वो सभी लोग ढूंढने लग जाते हैं और ग्वेन कहते हैं कि मेरे को मिल गई। और यहाँ पर जो केविन होता है वो कहता है कि ये तो मेरे पापा की तस्वीर है और उसे वहाँ पर रैग्नारोक आ जाता है। रैग्नारोक कहता है फाइनली मेरे को मिल गया। उसके बाद में रैग्नारोक इनके ऊपर फायर कर देता है और वो जाके उस तस्वीर को उठा लेता है। उसके बाद में उसे मारता है केविन को। उसके बाद में जो तस्वीर होती है उसे फेंक देता है और जो उसका फ्रेम होता है वो ही चाबी होती है।
इतने में यहाँ पे कैविन उसे मारने आ जाता है और यहाँ पे रैग्नारोक बहुत पावरफुल होता है, इस वजह से वो कैविन को बहुत गंदा पेलता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे डायमंड हेड के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसकी सारी की सारी एनर्जी उसी के ऊपर यूज़ कर देता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। रैग्नारोक अपनी चाबी लगाता है, जिससे उसका जो स्पेसशिप होता है वो स्पेस के अंदर आ जाता है। वो अपने स्पेसशिप से यहाँ पे जो सूरज की जो रोशनी है उसे छीनने आया होता है और वो कहता है अब तुम सब लोग मरोगे। इतना कह के वो यहाँ पे टेलीपोर्ट होने जा रहा होता है, लेकिन ग्वेन यहाँ पे उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। लेकिन ग्वेन उसकी लोकेशन पता कर लेती है, जिससे वो सभी लोगों को वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देती है। वो एक स्पेसशिप के अंदर टेलीपोर्ट होते हैं, जहाँ पे जो कैविन होता है वो कहता है कि तुम लोग उधर जाओ, मैं इधर ढूंढता हूँ। बैन कहता है कि तुम हुक्म किसके ऊपर चला रहे हो। उसके बाद में कैविन कहता है तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उसके बाद में कैविन इन दोनों को बुलाता है और वो कहता है कि वो इधर है। ये सारे उसके पीछे भाग के जाते हैं और यहाँ पे कैविन धोखे से उन्हें एक स्पेसशिप के अंदर बंद कर देता है और उन्हें धरती की तरफ रवाना कर देता है। वो यहाँ पे धरती की तरफ चले जाते हैं, जिसमें ऑटो पायलट मोड होता है, इस वजह से वो वापस भी नहीं आ सकते थे। इतने में रैग्नारोक यहाँ पे सूरज की रोशनी चुराने में लग जाता है। वो अपनी मशीन को स्टार्ट करता है और यहाँ पे धीरे धीरे करके सूरज की सारी रोशनी उसके जो मशीन होती है उसके अंदर आने लग जाती है। इतने में वहाँ पे कैविन आ जाता है और कैविन उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद में कैविन यहाँ पे जितना भी सिस्टम वगैरह सा होता है उसका सभी को तोड़ने लग जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा मत करो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी सिस्टम बिगड़ा तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। कैविन कहता है बताने के लिए शुक्रिया। उसके बाद में कैविन जाता है और सभी चीज़ों को तोड़ने लग जाता है और यहाँ पे वो हर चीज़ को तोड़ देता है, जिससे यहाँ पे जो उसका पूरा स्पेसशिप सा होता है वो खराब हो जाता है। और उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जो उसका स्पेसशिप होता है वो धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है और यहाँ पे बहुत तेज से वो सभी लोगों को बाहर खींच रहा होता है। यहाँ पे जो कैविन होता है वो अपनी पावर की वजह से यहाँ पे अपना हाथ गाड़ लेता है, वो बच जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रैग्नारोक होता है वो पीछे लटका होता है। रैग्नारोक कहता है कि प्लीज़ मेरे को बचा लो, अगर तुम्हारे पापा होते तो वो किसी को मरने ना देते। और यहाँ पे कैविन आता है, वो उसके सर में से वो जो उसकी चाबी होती है वो निकाल लेता है और उसे फेंक के मार देता है। उसके बाद में यहाँ पे जो पूरा स्पेसशिप होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो रोने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है यहाँ पे कैविन मर चुका है। लेकिन इतने में यहाँ पे जो कैविन होता है वो सामने से आ जाता है और वो कहता है मेरी तारीफ कर रहे हो, सुन के अच्छा लगा। इतने में ग्वेन आती है और उसे हक कर लेती है और वो कहती है कि मैं तो डरी गई थी। उसके बाद में वो पूछते हैं कि रैग्नारोक का क्या हुआ। कैविन कहता है कि वो मर गया। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।